यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं और एक बच्चा तो आज यूक्रेन के शहर में शहीद भी हो गया है। मोदी जी, वहां के बच्चे भारत की सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और भारत की सरकार यानी आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार, उनको सिर्फ एडवाइजरी पे एडवाइजरी जारी कर रही है। कभी कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुंच जाइए, रोमानिया के बॉर्डर पर, पोलैंड के बॉर्डर पर, हंगरी के बॉर्डर पर, और वहां उन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। नस्ल देख करके और चमड़ी देख करके वहां पर उन बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन बच्चों को बोर्ड नहीं कराया जा रहा है, बॉर्डर पार नहीं कराया जा रहा है, और आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं। क्या ये उचित है मोदी जी? चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारी अगली नस्ल को बचाइए, ये आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेवारी है। क्यों भाग रहे हैं आप अपने कर्तव्य से? क्या है ये ऑपरेशन गंगा जो अपने बच्चों को नहीं निकाल सकता? किस बात के आप दुनिया के नेता हैं जो आप पुतिन साहब से या यूक्रेन से बात नहीं कर सकते? 20,000 से ज्यादा मांएं बिलख रही हैं यहां पर, और आप अपने चुनावी क्षेत्र में आपके मंत्री 210 बच्चों के सामने तीन तीन मिनिस्टर जाकर के बोलते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, 20,000 बच्चों को बचाइए, बम पड़ रहे हैं उनके ऊपर। कांग्रेस पार्टी आपसे विनम्र आग्रह करती है कि उन बच्चों को बचाइए, वरना ये भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी।